गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मेरा आग्रह है कि पार्टी का पटका उनको पहना के उनको शामिल करें। बुके विदुरी जी, आरपी सिंह जी और दुष्यंत गौतम जी, आप लोग बुके देकर भी इनका पार्टी में स्वागत करें। उत्साह जी का बहुत बहुत स्वागत है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से मेरा आग्रह है कि वह शब्दों के माध्यम से श्री सिरसा जी का स्वागत करें और पत्रकार साथी को संबोधित भी करें। धन्यवाद बलूनी जी, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मंच पर आसीन मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पर आसीन दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विधुड़ी जी, आदरणीय आरपी सिंह साहब और विशेष रूप से जिनकी उपस्थिति ने आज इस कार्यक्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण भी बनाया है, ऐसे हमारे आदरणीय सिरसा साहब। मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में और विशेष रूप से यदि मैं उत्तर भारत की राजनीति की चर्चा करूं और उत्तर भारत की राजनीति में सिख चेहरों की यदि बात करूं तो जो दृश्य आपके सामने उभरेगा उसमें से एक चेहरा अवश्य रूप से आदरणीय सिरसा जी का होगा। दो बार दिल्ली में रजौरी विधानसभा से विधायक रहे और जिन्होंने वर्षों तक लगभग पिछले पूरे एक दशक तक दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ में प्रमुख दायित्वों के साथ में काम किया और लगभग पिछले 3 साल से दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के नाते भी काम कर रहे हैं। जैसा आदरणीय बलूनी जी ने कहा, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसे रीति नीति के साथ में काम कर रही है और जैसा उसका परिणाम विश्व भर में देखने को मिला है, देश भर में जो परिणाम देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में जो परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है, निरंतर नए नए चेहरों के आने से न केवल हमारी शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, अपितु भारतीय जनता पार्टी का धरातल पर व्याप भी और अधिक जो है वो सुगठित होता है। मैं आदरणीय सिरसा जी को इनका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि आगामी पंजाब के चुनाव में निश्चित रूप से सिरसा जी के भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आने से एक बहुत बड़ा लाभ भी होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं आदरणीय सिरसा जी का हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उस कुनबे में स्वागत करता हूँ, करते हुए अपने आप को आनंदित महसूस करता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद विजय शेखावत जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा आग्रह कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन। मित्रों, आज हमारी पार्टी के लिए एक शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सिरसा जी का ज्वाइन करना पार्टी की संगठन को, पार्टी की जनाधार को मजबूती देगा। ऐसे ही सिरसा जी हमारे साथ थे ही, लंबे समय से हम लोग काम करते आए हैं
और मैं आज व्यक्तिगत रूप में सिरसा जी की एक हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग करने का तो एक आनंद है ही, लेकिन उन्होंने एक अच्छी मिसाल है। अभी अभी सिरसा जी यहाँ आप लोगों के पास फॉर्मली सदस्यता लेने के लिए आने के पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हम सभी के नेता देश की यशस्वी गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी का शुभेच्छा लेते हुए, उनकी स्नेह लेते हुए आज ज्वाइन किए हैं। मैं सिरसा जी को और इस घड़ी में जिस समय में पार्टी में वो ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं स्वागत करता हूं। मेरा आदरणीय सिरसा जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अभी मुझे पार्टी में भी ज्वाइन कराया, मुझे स्नेह दिया। और मेरे पार्टी के अति वरिष्ठ साथी जो भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बड़े लीडर के साथ साथ देश की कैबिनेट में मंत्री माननीय गजेंद्र शेखावत जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट बलूनी साहब, माननीय श्री गौतम जी, रामवीर बिधूड़ी साहब, सर आरपी सिंह जी, मैं दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से देश भर में, दुनिया भर में मानवता की सेवा, देश की सेवा और हमारे पंथ की सेवा हर उस जगह पर जहाँ पे भी हमारी इस कम्युनिटी को जरूरत पड़ी, हमने वो पूरे देश के अंदर जाके अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। मैनू इस गल का बड़ा फक्र आ कि मैनू इस देश की राजधानी के अंदर दो वार दिल्ली के लोगों ने MLA भी बना के भेजिया और दिल्ली तो ही मैनू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर के रूप अंदर, जनरल सकत्तर के रूप अंदर और फिर प्रधान के रूप अंदर सेवा करने का मौका मिलिया। इस दौरान चाहे मानवता की सेवा की गल हो, देश और दुनिया के अंदर सिक्खी का परचम लहराना हो, देश में यह दसना हो, दुनिया में दसना हो सिख कौन है, सिखा की परंपरा है और की मानवता की सेवा करने का जज्बा सिख रखते हैं। पूरे देश और दुनिया ने इस गल नूं मन्निया और देश और दुनिया के अंदर यह मानवता की सेवा की एक नवी मिसाल कायम की, जिसकी बाद देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके और दिल्ली की पुलिस ने भी सारे गुरु घर की आराधना करते हुए धनवाद करते हुए धनवाद किया। अज श्रोमणी अकाली दल के लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के नाल अलायंस पार्टनर रूप च रहे और देश के अंदर जदों जदों भी कोई सिख मुद्दा, कोई पंजाबीयत की गल का मसला खड़ा हुंदा सी ते साड़ी भाईचारक सांझ जिहड़ी सी जिस पार्टी नाल सी उहदे माध्यम तो हमेशा ही इस लड़ाई नूं लड़दे आए। पर अज जो साढ़े देश के अंदर सिख ने वो भावें कन्याकुमारी तो लैके कश्मीर तक होण, हरेक दे बहुत सारे मुद्दे खड़े ने और उन्हां मुद्दियां दे हल दे वास्ते जदों असीं किसे दी आवाज़ बुलंद करदे को आवाज़ चुकदे हां ते सब तो पहिलां जरूरत पैंदी आ वो सरकार दी जिहड़े मसले हल कर सकदी आ। मैं अज क्योंकि हमेशा ही सिख मुद्दों के उत्ते अपनी आवाज़ नूं बुलंद रख्या है, मैं जदों देश दे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नूं देश भर दे सिखां दे कुछ मसलियां दे उत्ते गलबात की, मैनूं इस गल की बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई
कि ना केवल उन्होंने बल्कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री भी गल करा के इस गल नूं कहा कि मैं ये सारे मसले असी हल करना चाहते हाँ। असी चाहते हाँ कि जिहड़ी साडी सब तो देश का गौरवमयी कौम है सिख कौम जिस दे उत्ते पूरी दुनिया नूं माण है सानू भी माण है इन्हां दा हर मसला हल होना चाहिए। और मैं अज सब तो पहला दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो अपने आप नूं मुक्त किया क्योंकि उत्थे भी मैनूं बहुत माण मिले और मैं नहीं चाहुंदा सी कि संदेश यह जाए कि शायद दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की प्रधानगी बचाने लई जां कुर्सियां बचाने वास्ते मैं ये पार्टी को ज्वाइन कर रहा पर मैं समर्पित होकर अपनी कौम के पिछे अपनी कम्यूनिटी की गल वास्ते क्योंकि देश के अंदर 70 साल तो जिहड़े मुद्दे अज भी खड़े ने भावें वह डोंगमार गुरद्वारा सिक्के मंदिर होवे भावें वह शिलोंग के सिखा का मसला होवे या श्रीनगर के कश्मीर के जम्मू कश्मीर के सिखा का मसला होवे जिथे उन्होंने अज तक नौकरियों रिजर्वेशन नहीं मिले उन्होंने हक नहीं मिले या मध्य प्रदेश के अंदर सिकली कर सिखा का मसला होवे या आसाम के आसामी सिखा का मसला होवे या गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और गुरु नानक देव पातशाह जी के वड्डे समागम करके देश और दुनिया को उन्हों की सोच और उन्हों की मानवता के प्रति सेवावान की जानकारी देनी होवे मैं ये सारिया गल्लां और मैं खास तौर पर अच्छे गल जरूर होर याद करवाना चाहुंदा जो मैं इन सारिया गल्लां दे नाल नाल साडी कौम दे वास्ते अगे वधन वास्ते शिक्षा बहुत जरूरी आ जो मैं देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृहमंत्री जी ने एक गल कही 70 साल हो गए देश के अंदर देश की आज़ादी तो लैके हुण तक जिन्ना वड्डा सिखां दा योगदान आ मैं सारिआं दा पर मैं जरूर कह सकदा क्योंकि मैं उस कम्यूनिटी नूं बिलोंग करदा मैनूं फकर है इस गल दा पर अज तक भी उन्हां दे वास्ते दिल्ली दी देश दी राजधानी है इस राजधानी ते बाबा बंदा सिंह बहादुर तो शहादत हुई जिस राजधानी जिस राजधानी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत हुई और उस ही राजधानी के उत्ते किसी वेले बाबा बघेल सिंह जी ने बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़ी ने अपना परचम लहराया सी उस राजधानी के अंदर अज तक भी दिल्ली के लोगों सिखा के वास्ते एक यूनिवर्सिटी असी 70 साल च नहीं बना सके। मैं लगता है कि साड़ी अपनी लीडरशिप की कमी आ साड़ी कमजोरी आ क्या मसले हुण देश के सरहदा से लड़न वाले असी लोग होइए और मसले साढ़े तो हल ना हो मैं जिस वचनबद्धता दे नाल देश दे गृहमंत्री जी नाल गल करके और प्रधानमंत्री जी नाल मैं ये पार्टी ज्वाइन किया उहदा एक मकसद आ 70 साल तो होए वह मसले जिहड़े अज तक खड़े सी वह बहुत जल्दी हल हुंदे दिखणगे तुहानूं भावें वह डांगमार गुरद्वारा साहब का होवे या सिक्किम के सिखां का होवे या ज्ञान गोदरी के गुरु घर का मसला होवे ये जिन्ने भी मसले ने कुछ आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही तुहानूं ये सारे मसले हल हुंदे दिखणगे। मैं फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद करदा हां अपने सारे ही साथियों का जिन्होंने हर मौके पर मेरा साथ दिता है और इस लड़ाई नूं हमेशा जितने वास्ते और लड़ाई दे तो हमेशा फतेह वास्ते मैं अपने मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का धनवाद करदा गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर तो सानूं बहुत कुछ मिलिया है उस मालिक के दर का धनवाद करदा एक वचनबद्धता करदा है कि जिनी शिद्दत दे नाल असीं दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी च रह के अपनी कौम की गल की अज इस वड्डी देश की सरकार के माध्यम तो खास तौर पर जदों देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री जी और देश के वड्डे वजीर तुहाडी उन्हां जो तुहाडे सोच होवे जो तुहाडे मंग होवे जो तुहाडे कौम के मसले हो उन्हों हल करन बैठे होण तो मैं जरूर कह सकदा है जिन्नी कि अगे शिद्दत नाल लड़ रहे सी जिन्नी कि शिद्दत नाल मसलियां लई खड़े हुंदे सी उस तों 10 गुणा ताकत दे नाल अपनी कौम के मसले हल करन वास्ते असीं खड़े होवांगे। मैं फिर तो सब का धन्यवाद करदा देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करदा देश के गृहमंत्री जी का पार्टी के नैशनल प्रैजीडेंट साहब का और मेरे साथ नाल बैठे हुए सारे ही देश के वड्डे वजीरां का भी मैं बहुत बहुत दिल दीआं गहराइआं चों धन्यवाद करदा मीडिया के सारे बंदों का धन्यवाद करदा और मैं ये भी जरूर सब नूं एक जानकारी जरूर देना चाहुंदा कि जो प्रबंध असी 3 साल तक दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चलाए ने वो प्रबंध भी पूरी दुनिया के अंदर वाहद पहली बार इस तरीके होया कि एड्डी वड्डी महामारी के दौरान देश के वड्डे तो वड्डी संस्था ने इस गल की वड्याई दी और वधाई दी कि सिखां की सच्ची सेवा की आ और उहदे वास्ते मैं गुरु साहब का धन्यवाद करते हुए अज फिर तुहाडे सारी संगत के चरणों यही बेनती करदा कि असीं मिल के देश की एक सरकार दे नाल जिहड़ी टकराव की गल बार बार की जाती सी उस तों परां हो सकीए जिहड़ी आपसी भाईचारक सांझ की गल की जाती सी उहनूं नेड़े लिया सकीए ते जिंदगी च एक गल याद रखनी आ एक समां उह सी जदों हर दिल्ली का होवे या देश की नॉर्थ इंडिया की अगर खास तौर पर गल करा हिंदू परिवार अपने वड्डे बच्चे नूं सिख बणाउंदा सी इस परंपरा नूं साडे कुछ सियासी लोगों ने अपनी सियासी लोड़ां दे अंदर
इस नूं खत्म कर दिता। असी आपसी भाईचारक सांझ नूं दुबारा उत्थे लिया के खड़ा करना और सुनहरी मुल्क दे अंदर सुनहरी तरीके नाल असी चमकीए, उहदे वास्ते असी एकजुट होकर काम करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।